दोस्तों, एक बार फिर से मैंने आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे किचन में। सो फ्रेंड्स, आज मैं वापस से आप सबके लिए एक मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, एक लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी है और इसे विंटर के दौरान बनाया जाता है और मकर संक्रांति में इसे बनाते हैं स्पेशली। तो आज की जो मेरी रेसिपी है उसका नाम है मुरमुरा लड्डू, इसे हम पफ्ड राइस लड्डू भी कहते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मुरमुरा लड्डू बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, पहले हम वो देख लेते हैं। हमें चाहिए पफ्ड राइस, इसे मुरमुरा या फिर मुरही भी कहते हैं। यहाँ मैंने ये इसे 2 कप लिया हुआ है और ये 100 ग्राम के लगभग है। 250 ग्राम हम लेंगे गुड़। यहाँ पे गुड़ को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक इस तरह से कूट करके इस तरह से ग्रेट करके ले लिया हुआ है। आप जो गुड़ यूज़ करें वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का यूज़ करें, तभी जाकर आपका जो लड्डू है वो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनेगा। 1 छोटा चम्मच हम चाहिए घी, 1 बड़ा चम्मच हम लेंगे सफ़ेद तिल और 1 छोटा चम्मच हमें चाहिए बारीक इस तरह से ग्रेट किया हुआ अदरक। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज ये मुरमुरा लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मुरमुरा लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई को मीडियम हीट पर गर्म करके रखा हुआ है और अब हम इसमें सबसे पहले तिल को भून करके निकाल लेंगे। तो तिल को भून लेते हैं। इसे हम इस तरह से लगातार चलाते हुए 2 मिनट के अंदर इसे रोस्ट करके निकाल लेंगे। 2 मिनट तक इसे भून लेंगे इस तरह से। इसे हमें लगातार चलाते रहना है। तिल हमारा यहाँ पे अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे में ऐड कर देंगे पफ्ड राइस को, और पफ्ड राइस को भी हम 1 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे ताकि जो भी इसका मॉइस्चर हो वो निकल जाए और हमारा जो लड्डू है वो बहुत ही अच्छा बने। इस लड्डू को मकर संक्रांति के दौरान या फिर विंटर में बनाया जाता है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा और आपकी रेसिपी कैसी बनी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें इसे लगातार चलाते रहना, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इसे चलाते हुए हमें 1 मिनट हो चुका है। गैस को करेंगे बंद और इन सब को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ मैंने तिल और मुरमुरा दोनों को साथ में निकाल करके रख लिया। अब इसे हम एक साइड में रखेंगे। वापस से गैस को ऑन करेंगे और इसी कढ़ाई में अब हम इसके लिए गुड़ की चाशनी तैयार करेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, इसमें ऐड करेंगे ये घी। घी को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, फ्लेम को एकदम लो पर रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे ये गुड़। गुड़ को इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। गुड़ अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो तो आप उसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने अच्छी क्वालिटी का गुड़ लिया हुआ है और ये बहुत तेज़ी से गल जाता है, आप देख सकते हैं इसे। आप गुड़ को ग्रेट करके या फिर उसका चूरा बना के ऐड करें तो इससे क्या होगा कि टाइम भी कम लगेगा और लड्डू भी जल्दी बन करके तैयार हो जाएंगे। और आप जब भी गुड़ यूज़ करें तो अच्छे क्वालिटी का गुड़ यूज़ करें, अदरवाइज बहुत सारे गुड़ में गंदगी होती है जिसकी वजह से जो लड्डू है वो अच्छा नहीं बन पाता है। इसे हम एकदम लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि हमारा जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, थोड़ा बहुत रह गया है वो भी मेल्ट हो रहा है। हमें इसे तब तक पका लेना है जब तक कि गुड़ में हमारा पूरी तरीके से झाग ना आने लगे। और हमें इसे पहले लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। जब हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा उसके बाद हम इसे मीडियम हीट पे पकाएंगे और इसे हम लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे, अदरवाइज गुड़ जो है तली में जाकर के चिपक जाता है। इसके लिए आप इसे चलाते रहें। गुड़ हमारा पूरे तरीके से मेल्ट हो गया है, हम इसे मीडियम हीट पे पकाएंगे और इसे चलाते रहेंगे। गुड़ का अच्छे तरीके से पकना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज जो लड्डू है वो अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपका गुड़ कम पका होगा तो लड्डू जो है बहुत ही सॉफ्ट बन जाएगा और अगर बहुत ज़्यादा पक जाएगा तो लड्डू बहुत ही हार्ड हो जाएगा। और अगर आप मीठा कम खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें पफ्ड राइस ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गुड़ पकना हमारा स्टार्ट हो गया है, चलाते रहेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं हम। गुड़ हमारा पका है या फिर नहीं पका है आइए इसे चेक कर लेते हैं।
तो गुड़ को चेक करने के लिए कि गुड़ की चाशनी हमारी तैयार हुई है या फिर नहीं हुई है, हम चाशनी की कुछ बूंदों को लेकर इस तरह से पानी में ऐड कर देंगे। अगर गुड़ हमारा पानी में मिक्स हो जाएगा तो इसका मतलब गुड़ हमारा नहीं पका है, और गुड़ अगर हमारा इस तरह से इसमें स्थिर रहेगा तो इसका मतलब गुड़ की चाशनी हमारी तैयार है। आप देख सकते हैं गुड़ हमारा इसमें स्थिर है, फैला नहीं है। वापस से मैं करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये फैल नहीं रहा है, इसका मतलब गुड़ की चाशनी हमारी तैयार है। गैस को बंद कर देंगे। और अब हम इसमें मुरमुरे को ऐड करेंगे, मुरमुरा और तिल इसमें ऐड करेंगे हम इस तरह से, और साथ में ये ग्रेट किए हुए अदरक, इससे इसका जो स्वाद है बहुत ही अच्छा आता है अगर आप इसमें अदरक ऐड करेंगे तो। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें, बहुत ही सावधानी से आप ऐड करें इसे इस तरह से, अच्छे से मिक्स कर लेना है इन सबको हमें। यहाँ पे हमारा मुरमुरा जो है गुड़ के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इससे लड्डू बनाएंगे, हमें इसे लड्डू बहुत ही तेजी से बनाना होगा अदरवाइज ये जमने लगेगा। तो चलिए इसे लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जब मैं तिल का लड्डू बनाया था तो सबसे पहले हम इसे हाथ को ग्रीस करेंगे और पानी से ग्रीस करेंगे, हम इसमें तेल या घी का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है। और इस तरह से इसे हाथ में लेंगे और इसका राउंड राउंड इस तरह से हमें बना लेना है, रोल करेंगे और ये हमारा मुरमुरा का लड्डू बनकर के तैयार है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में उतना ही स्वादिष्ट है। इस तरह से सारे मुरमुरे के लड्डू को बना लेंगे। गरम गरम होने के कारण ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है और ये अपना आकार भी चेंज करने लगता है जब आप इसे रखेंगे, तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये हार्ड हो जाता है, खाने में टेस्टी लगता है। इसी तरह से हम सारे बॉल्स को बना करके तैयार कर लेंगे। हाथ में इस तरह से जब भी आपका हाथ जलने लगे आप हाथ में पानी लगाएं। इस तरह से रोल कर लेंगे और लड्डू बना लेंगे और इस तरह से पफ्ड राइस का हमें सारा लड्डू बना करके तैयार कर लेना है। ये मेरा दूसरा लड्डू तैयार हो गया, लड्डू हमारी बन करके तैयार हो गई है मुरमुरा की। आप देख सकते हैं वो बहुत ही टेस्टी बना है, बट हमारी ये जो कढ़ाई है वो गंदी हो गई है और क्योंकि इसमें गुड़ पूरी तरीके से चिपक गया है और ये इसे अगर हम डिशवाशर से भी साफ करेंगे तो ये क्लीन भी नहीं होगा। तो आइए मैं आपको एक टिप्स बताती हूँ और ट्रिक भी बताती हूँ जिससे कि ये जो जो कढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो चलिए इसे क्लीन करते हैं। इस कढ़ाई को वापस से गैस पर चढ़ाएंगे और गैस को ऑन करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे पानी, उसे पूरा ऊपर तक पानी भर देंगे इस तरह से। और कढ़ाई को हम अच्छे तरीके से गर्म हो जाने देंगे। तब हम पानी को और कढ़ाई दोनों को गर्म होने का वेट करेंगे, दोनों हमारा गर्म हो जाए। पानी में हमारा उबाल आना स्टार्ट हो गया है, हम क्या करेंगे इस गर्म पानी से इस कढ़ाई को पूरा क्लीन कर लेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं जो गुड़ है और जो ये है वो पूरी तरीके से क्लीन हो गया है, हो रहा है इस तरह से हम इसमें करेंगे। इस तरह से हमें पूरी कढ़ाई को अच्छे से क्लीन कर लेना है, जितने भी गुड़ हैं और जितने भी मुरमुरा इसमें चिपके हुए हैं वो सारे निकल जाएंगे। गैस को कर देंगे बंद, तो आप देख सकते हैं ये हमारा कढ़ाई एकदम क्लीन हो गया है। बस इसे एक बार हमें डिशवाशर से क्लीन करना है। मैं इसके इस गर्म पानी को फेंक करके दिखाती हूँ आप सबको कि हमारा कढ़ाई कितना क्लीन हो गया है।
यहाँ मैंने गर्म पानी को हटा दिया, आप देख सकते हैं कढ़ाई हमारा कितने तरीके से क्लीन हो गया है, कितने अच्छे तरीके से, कहीं भी गुड़ नहीं चिपका हुआ है, बस इसे हम एक बार डिशवाशर से क्लीन करना है। तो देखा आपने कि हमारा गुड़ लगा हुआ कढ़ाई भी कितने अच्छे तरीके से क्लीन हो गया। तो ये मेरी कुछ टिप्स और ट्रिक्स थी। तो लीजिए दोस्तों, हमारा ये मुरमुरा का लड्डू बनकर के तैयार हो गया है। इसे बनाने में 25 से 30 मिनट ही लगते हैं और बहुत जल्दी बन जाता है ये। मैं आपको वापस सजेस्ट करूंगी कि जब आप इसे बनाएं, जब लड्डू बनाने लगे तो आप घर के सदस्यों की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसे बहुत तेजी से बनाना पड़ता है, अदरवाइज ये जमने लगता है। और अगर आपका बनाते समय बहुत ही गुड़ जो है वो हार्ड हो जाए तो आप क्या कीजिए, उसको वापस से रीहीट कर लीजिए, और वापस से रीहीट करने के बाद जब वो अच्छे से मेल्ट हो जाए तो वापस से आप उससे लड्डू बना सकते हैं। आप इस मुरमुरे के लड्डू को एयर टाइट कंटेनर में बंद करके 15 से 20 दिन तक अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं। आपको मेरी आज की रेसिपी आई होप अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें, और इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें, और आपकी रेसिपी कैसी बनी हमारे साथ अपने अनुभव को शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी आइडिया या फिर सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। सो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मकर संक्रांति नज़दीक आ रही है तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए इस रेसिपी को एंजॉय करें, और आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।